अस्सलाम वालेकुम, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी, वो भी बोनलेस वाली। तो ये चिकन बिरयानी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े, इसमें कौन कौन से मसाले डाले गए, इसका बनाने का प्रोसेस क्या था, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहे। तो चलिए शुरू करें, आज हम लोग बनाते हैं चिकन बिरयानी, वो भी बोनलेस वाली। बोनलेस हमने लिया है 1 किलो, क्योंकि चावल 1 किलो तो गोश्त भी 1 किलो। सबसे पहले हम लोग इस गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं, और मैरिनेशन करने के लिए 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल किया हमने, और 1/2 चम्मच गरम मसाले का भी इस्तेमाल किया। फिर 1 चम्मच हमने तंदूरी मसाले का भी इसमें इस्तेमाल किया, और 1/2 चम्मच हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया। हमने पूरे 1 नींबू का इसमें इस्तेमाल किया था, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट यूज किया, और 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे ना, उसका टेस्ट भी उतना ही निकल कर आएगा। इस मैरिनेशन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए तो आप छोड़ दीजिएगा। फिर एक स्मोकी फ्लेवर के लिए हमने जरा सा कोयले को गर्म किया, और ऊपर से ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, तो जो इसका धुआं निकला ना, उसको ढक्कन लगा के हमने चिकन के अंदर ही उसको जब्त कर दिया, और ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिर आप इस कोयले को निकाल के अलग कर दीजिए, और इस चिकन को अब आप 1 से 1.5 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दीजिए, ताकि आपके गोश्त के अंदर अच्छे से फ्लेवर जज्ब हो जाए। चिकन मैरिनेट करने के बाद अब हम लोग चावल भिगोते हैं। चावल को हम लोग अच्छे तरह से धो लेते हैं, हाथ से रगड़ रगड़ के, मसल मसल के। चावल देखिए अच्छे से धो जरूर लीजिएगा। और हमने ट्रिपल एक्सल चावल का इस्तेमाल किया, और इस चावल को भी अब 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दीजिए, और तब तक हम लोग ग्रेवी का मसाला तैयार करते हैं। ग्रेवी के मसाले के लिए हम लोगों ने 2 बड़े टमाटर, 2 बड़ी प्याज और 5 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, और इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लिया। और अब 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, और अब हम लोग अपना चिकन रेडी करते हैं बिरयानी के लिए। हमने पूरा 1 कटोरा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि हमें इन प्याज का बरिस्ता बनाना है। कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए। 2 मिनट के बाद आपकी प्याज कुछ इस तरह से कलर होगी, 4 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी, 6 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा रंग बदलेगी, और 10 मिनट में आपकी प्याज कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये सारा काम हाई फ्लेम पर करिएगा। फिर जब आपकी प्याज अच्छी तरह से भुन जाए, तो इस प्याज को निकाल लीजिए, तेल को अंदर ही दबा दबा के छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, आपकी प्याज अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 8-10 हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी जावित्री, 4 छोटी इलायची, 1/2 चम्मच शाहजीरा, और 4 से 5 हमने लौंग का इस्तेमाल किया। और जो तेल हमने अभी छोड़ा था ना इसमें प्याज निकालने के बाद, उसमें ही इन खड़े मसालों को हम लोग भून लेते हैं, और 2 मिनट के बाद वो जो चिकन आपने मैरिनेट करके 1.5 घंटा पहले रखा था ना, उसको पकाना शुरू करते हैं। इस चिकन को भी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मैरिनेशन अच्छी तरह से कर दिया था, तो यूं मान के चलिए तकरीबन 10 से 15 मिनट या हद है 20 मिनट का वक्त लगेगा। इससे ज्यादा आपको चिकन बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, हमें चिकन को डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, ताकि इसके जो मसाले हमने मैरिनेशन के टाइम पे इस्तेमाल किए थे ना, वो सब चिकन के अंदर ही जज्ब रहे, यानी कि उसके अंदर ही मौजूद रहे, बाहर ना निकले। देखिए, अगर इस तरीके से आप अपने चिकन को रेडी करेंगे ना, तो आपके हर एक बोटी में एक जैसा फ्लेवर आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में चिकन को चलाते भी रहिएगा, ताकि कहीं नीचे से वो जलने ना लगे, और 20 मिनट के अंदर ही अंदर आपका चिकन रेडी हो चुका होगा। अब इन सारे चिकन को निकाल के आप किनारे रख दीजिए, मैं बताता हूँ क्यों।
वो जो याद है ना मसाला हमने बनाया था, अब उस मसाले को इसी ऑयल में डाल देते हैं। देखिए ऑयल हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआत में ऑयल इस्तेमाल किया था ना, बस उसी से ही हम अपनी सारी बिरयानी तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया, आधा चम्मच हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया और पौना चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया। और ये जो नमक है ना, ये ग्रेवी का नमक है। फिर इसके बाद हमने 3 चम्मच दही का भी इस्तेमाल किया। बस इन सारी चीजों को अच्छे से पका लीजिए, भून लीजिए, सारे मसाले चटका लीजिए, सारे मसाले जो आपने पिसे मसाले डाले थे उनको भी पका लीजिए। देखिए इतना पकाइएगा कि मसालों का कच्चापन चला जाए और इस प्रोसेस को होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, महज 5 से 8 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके मसालों में उबाल आ रहा है और इस वक्त पे जो चिकन आपने मैरिनेट करके पका के रखा था ना, वो सारा चिकन अब आप इसमें डाल दीजिए। पहले आप 1 से 2 मिनट तक इन सारी चीजों को अच्छे से भूनिएगा। और इसके बाद ढक्कन लगा के रख दीजिएगा महज 2 मिनट के लिए। फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम में ही सारी चीजें पकेंगी। तकरीबन 2 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके चिकन में अच्छा खासा उबाल आ रहा है और ऑयल भी रिलीज हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में जो आपने प्याज का बरिस्ता बना के रखा था ना, उसमें से आधी प्याज लीजिए और ऐसे हाथ से इसको क्रश कर दीजिए। हाँ, ऐसे हथेली से दबा दबा के क्रश करिए और इन सारे चिकन में ही डाल दीजिए। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए। और इसके बाद हमने बहुत जरा से पानी का इस्तेमाल किया है ताकि आपका चिकन नीचे से जले नहीं। ज्यादा नहीं, बस 1/4 कटोरा या कटोरी, आप जो भी कह सकते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। बस इसको सेटल डाउन होने दीजिए। और इसके बाद हमने ऊपर से धनिया की पत्ती का इस्तेमाल किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और पुदीने की भी पत्ती का इस्तेमाल किया, वो भी बहुत जरा सा, ताकि उसका फ्लेवर इन सारे चिकन में आ जाए। और अब अपनी गैस बंद कर दीजिए, उस चिकन को उतार के किनारे रख दीजिए। और इसके बाद अब हम लोग चावल तैयार करते हैं। एक पतीला हमने चढ़ाया और उसको आधा भर दिया पानी से। और इसके बाद हमने 6 से 8 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया और ढक कर रख दिया उबाल आने के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। और हमने 5 से 6 लौंग और 3 इलायची का इस्तेमाल किया। ये खड़ा मसाला हमने पानी में यूं ही डाल दिया और थोड़ी सी हमने ऊपर से धनिया और पुदीने का इस्तेमाल किया। फिर जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, उन सारे चावलों को भी इसमें डाल देते हैं। देखिए अभी इस सिचुएशन में चावल को हाथ से मत चलाइएगा, थोड़ा सा जब उसमें उबाल आने लगे तो चावल को अलग अलग कर दीजिएगा। और ये देखिए 10 मिनट के बाद आपके चावलों में अच्छा खासा उबाल आ रहा है, लेकिन अभी भी ये तैयार नहीं है। तो आप हाथ से निकाल के चावल को चेक करते रहिएगा कि चावल आपका हाथ से ही टूट रहा है या नहीं। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारा चावल 90% कुक हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में हम गैस बंद कर देते हैं। और अब इस चावल का सारा पानी हम निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि ये पानी किसी काम का नहीं है। एक छन्ने में निकाल लीजिए, आप एक सूती कपड़े में निकाल लीजिए, चाहे जैसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमने चिकन तैयार करके रखा था ना लगन में, उसको हम लोग ले आते हैं और इस सारे चिकन को हम लोग निकाल के अलग कर देते हैं और इसका ऑयल भी आप निकाल दीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ऑयल निकाला। देखो थोड़ा बहुत मसाला तो आपका लगा रह जाएगा, उसको ऐसे ही आप लगा रहने दीजिएगा। और जो चावल अभी आपने थोड़ी देर पहले पसाए थे ना, उसका आधा चावल आप इस्तेमाल करिए। आधे चावल की आप तय लगा दीजिए। और इसके बाद हमने गाढ़े वाले रंग का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद जो चिकन आपने अलग निकाल के रखा था ना, अब उसकी भी आप तय लगा दीजिए उन चावलों के ऊपर जो भी आपने चावल नीचे लगाए थे। बहुत अच्छी तरह से आप चारों तरफ अपने चिकन को लगाइएगा। देखिए कुछ इस तरह से। यानी कि हमने 1 किलो चावल इस्तेमाल किया तो 1 किलो गोश्त का भी इस्तेमाल किया। और जो आपने प्याज का बरिस्ता बनाया था ना, जो थोड़ी सी आपने प्याज बचा ली थी, अब उसको डाल दीजिए। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पुदीना और हरे धनिया का इस्तेमाल किया और जो बाकी चावल थे ना, उन सारे चावलों को ऊपर हम लोगों ने तय लगा दिया।
देखिए बिल्कुल भी गोश्त आपका दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि गोश्त उन चावलों के नीचे ढक गया। और उसके बाद हमने फिर से वो एक गाढ़े वाले रंग का इस्तेमाल किया, और इसके बाद जो ऑरेंज वाला थोड़ा हल्का सा जो कलर होता है ना, उसका हमने इसमें इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद फिर से हमने वही प्याज डाली, जितनी भी हमारे पास थी वो सब हमने इसमें इस्तेमाल कर ली। और फिर इसके बाद में हमने पुदीना और हरे धनिये का इसमें थोड़ा सा छिड़काव किया, और 5 से 6 हमारे पास में हरी मिर्चें थी जिसकी हमने तह लगा दी। और इसके बाद जो हमने ऑयल अभी अलग करके रखा था ना, उसको भी ऊपर से डाल दीजिए। ये तरी वाली बिरयानी बनेगी बहुत ही शानदार। बस इसको हम लोग फॉइल लगा के रख देते हैं, यानी कि अब हम लोग दम लगाते हैं। देखिए आप दम आटे से भी लगा सकते हैं, यानी कि आपने ढक्कन के ऊपर आटा लगाया, लेकिन हमारे पास में फॉइल था तो हमने फॉइल लगा दिया। चारों तरफ से इसको अच्छे से ढक दीजिए, यानी कि कहीं से स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। उसी स्टीम में ही आपका चावल और चिकन 100% पकेगा। ऊपर से ढक्कन ढक के रख दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए इसको, और हाई फ्लेम पर चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, और ऊपर से रख दीजिए कोई भारी सा सामान। हमारे पास फिलहाल किचन में यही भारी था, वरना फ्रिज था जो हम रख नहीं सकते थे। और फ्लेम को हाई रखिएगा, और 5 मिनट के बाद अपनी फ्लेम को आप लो कर दीजिएगा। देखिए फ्लेम लो करने के बाद में 20 मिनट तक आप अपनी बिरयानी को दम लगाइएगा, यानी कि 100% पकाइएगा, और आपकी शानदार बिरयानी पककर तैयार हो जाएगी। और 15 से 20 मिनट गैस को बंद करने के बाद भी इंतजार करिएगा। फिर इसके बाद में फॉइल निकालिए, और बिरयानी आपकी तैयार है सर्व करने के लिए, किसी को भी खिलाने के लिए, खाने के लिए। देखिए ये चिकन बिरयानी बोनलेस क्या शानदार बनी है, टेस्ट भी इसका जबरदस्त है, और रंग तो क्या ही कहने। देखिए बिरयानी में जब तक रंग नहीं आए, मसाले हल्के हों और उसका टेस्ट खिला खिला ना हो ना, तब तक वो बिरयानी नहीं होती है। भाई ये तो हमारे घर की स्पेशल चिकन की दम बिरयानी है, लखनऊ की नहीं है लेकिन हमारे घर में बनती है। तो अगर आपको ये बिरयानी खानी हो तो हमारे घर चले आइए। फिलहाल तो ये सारी बिरयानी हम लोग आज अफ्तार में ही खाएंगे। खिले खिले चावलों से बनी शानदार खुशबूदार ये बिरयानी, चिकन की दम बिरयानी बोनलेस वाली, इसमें कोई भी हड्डी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके टाइप जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक एंगेजमेंट हमें आगे का रास्ता दिखाएगी।